सो हेलो, वेलकम बैक टू माय रोड रेड का प्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टॉप का एडिटर एप्लीकेशन को यूज करके इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग इफेक्ट वाली वीडियो दोस्तों बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो दोस्तों बनाना बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ लोग को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग इफेक्ट वाली वीडियो आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करना। चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको एक वीपीएन की जरूरत पड़ जाएगी। सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जो वीपीएन मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, उसी वीपीएन को आप लोग को भी यूज करना है, तभी जो आप कैपकट एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरह से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है PO। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो पावर वीपीएन यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आप इतना जैसे आप PO लिखते हैं ना, तो आप लोग को जैसे यहाँ पर देख सकते हो पावर वीपीएन लिख करके आ जाएगा। सिंपली आपको इसके ऊपर जाए इस तरह से क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर में ये वाली पावर वीपीएन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखा है, तो आप लोग को यही वाले वीपीएन डाउनलोड कर लेने दोस्तों। ठीक है, तो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सिंपली आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से इसको जो है कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग को भी इस तरह से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीपीएन यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है। तो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर भी एक ऐड भी देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको ऐड को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ऐड को कंप्लीट कर लेना दोस्तों, उसके बाद आप लोग का वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस तरह से कट कर देना दोस्तों। कट करने के बाद आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो कैपकट का लिंक भी आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो कैपकट आप लोग को प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है, तो आप लोग को जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर में जो कैपकट मिलता है ना, तो उसमें आप लोग को ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपली जो मैं ये कैपकट यूज कर रहा हूँ, तो उसी वाले लिंक आप लोग को हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उसी तरह से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाली आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना इस तरह से। उसके बाद अपने जो भी वीडियोस में एडिटिंग करना चाहते हो दोस्तों, वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ से ऐड हो चुकी है, तो इस तरह से आप लोग को ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोग को लास्ट में आ जाना, लास्ट में आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को वाटरमार्क मिलेगा, देन आप लोग को यहाँ से डिलीट कर देना। इस तरह से डिलीट कर देना दोस्तों, उसके बाद आप लोग को फर्स्ट में आ जाना। ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो को शुरू में या फिर लास्ट में थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, आप लोग जो यहाँ से कट भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो जो प्रॉपर तरीके से थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे कि देख सकते हो काफी कमाल की वीडियोज है, तो इसको मैं आप लोग को एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोस में दोस्तों ज्यादातर आप लोग को स्लो एंड फास्ट मोशन को ऐड करना पड़ता है। तो सिंपली आपको स्लो एंड फास्ट जहाँ पर भी इस तरह से प्ले करके देख लेना, तो जहाँ पर भी आपको स्लो एंड फास्ट होगा ना दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो को प्ले करके इस तरह से देख लेना कि कहाँ से आप लोग का वीडियो में जो है स्लो एंड फास्ट मोशन लगना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को इस तरह से रोक लेना, जैसे कि मैंने रोका है, तो इस तरह से आप लोग को रोक देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाले, तो आप लोग को स्पीड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग फिर से वीडियो को प्ले करके देख लेना कि आपको वीडियो में जो है कहाँ तक स्लो मोशन ऐड करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को वहाँ पर भी इस तरह से रोक देना, देन उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर एक बार स्पीड को ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर वीडियो मेरा तीन भाग में बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको बीच वाला वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर भी एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ये वाले। ठीक है, तो आप लोग को स्पीड वाला ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक नोराल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाले, तो आप लोग को नॉर्मल वाला ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से जैसे कि देख सकते हो आप लोग को एक एरो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सिंपली ये राउंड वाली, तो आप लोग को ये एरो को थोड़ा सा इस तरह से माइनस कर देना। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से 0.5 या 6x इस तरह से रख देना। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा काफी कमाल की वीडियो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड है, देन यहाँ से थोड़ा सा स्लो मोशन ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन ऐड कर लें दोस्तों। ऐड करने के बाद आप लोग को इसमें जो इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको वीडियो का फर्स्ट में आ जाना इस तरह से। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाले। ठीक है, तो आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ से बहुत सारा इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो ब्लर ब्लर जो भी आपने ऐड करना चाहते हैं ब्लर यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो आप लोग को चौथे नंबर में एक जूम ब्लर की ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाली, तो आप लोग को जूम वाले ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने एडजस्ट भी करना चाहते हो तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जहाँ यहाँ से कम बेसी भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कम भी और बेसी भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कम करने के बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर देना इस तरह से। ठीक है,
उसके बाद आप लोग को यहाँ से जितना भी अपने ब्लर रखना चाहते हैं ना, जितना 2-3 सेकंड तक इस तरह से आप लोग को रख लेना, जैसे कि आप पर देख सकते हो, तो इस तरह से आप लोग को रख लेना। उसके बाद अगर अपने बॉडी इफेक्ट भी यूज करना चाहते हो तो आप लोग बॉडी इफेक्ट भी दोस्तों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बॉडी इफेक्ट यूज करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा बाइक आ जाना, इस तरह से बाइक आने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस तरह से इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक बॉय इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को बॉय इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना। यहाँ पर आप लोग को वीपीएन के हिसाब से दोस्तों जितना भी आप लोग का नेट स्लो चलेगा ना, तो उसका हिसाब से जो आप लोग यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा बॉडी इफेक्ट दोस्तों देखने को मिल जाता है, देन अपने जो भी इफेक्ट को यूज करना चाहते हो, जैसे कि देख सकते हो काफी कमाल के इफेक्ट आप लोग को इसमें जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अपने जो भी इफेक्ट को यूज करना चाहते हो दोस्तों, उसको यहाँ से यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये सब ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट दोस्तों आप लोग को कैपकट ही एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, नहीं तो और किसी एप्लीकेशन में देखने को ये सब इफेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ से इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट भी आप लोग को देखने को मिल जाता है, सिंपली जो भी आपको अच्छा लगता है ना उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं ये वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा काफी ज्यादा थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, देन आप लोग को यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। इस तरह से ओके कर देना, उसके बाद अपने जितना भी लेंथ में रखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से एडजस्ट करके इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को सेम ट्रिक है, आप लोग को अगर अपने और भी इफेक्ट सेकंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं दोस्तों, सेम आप लोग को फिर से यहाँ पर वो इफेक्ट वाला सुन क्लिक करना है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से और कोई भी इफेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को वीडियो के हिसाब से दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट लगता है सिंपली आपको इस तरह से यूज कर लेना, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यूज कर लेना, यूज करने के बाद इस वीडियो को स्पॉट कर लेना, ठीक है। तो स्पॉट करने के लिए सेम ट्रिक है, सिंपली आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एक स्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो देन आप लोग को स्पॉट पर इस तरह से क्लिक करना है, देन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपका वीडियो स्पॉट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक डन का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, आप लोग को यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से डन कर देना, आप लोग का फोटो का फाइल में दोस्तों वीडियो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ट्रेंडिंग वाली इफेक्ट वीडियो दोस्तों बना सकते हो। तो वीडियो की जानकारी कैसे लगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तारा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, बाय बाय।